गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए बच्चों, द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, टुडे आई विल टीच यू योर सेकेंड लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज द एंट एंड द सिकाडा। ओके, इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑल्सो डिस्कस द हाफ लेसन ऑफ हाफ ऑफ दिस लेसन, बट नाउ I will teach you again this, okay? Once there lived a cicada who sang all day long. एक बार एक cicada होता है जो सारा दिन गाता ही रहता है। She sang in the morning, she sang at night. मॉर्निंग में गाता था, और मैं इसको एक बार वापस से रिपीट इसलिए कर रही क्योंकि अपना सीक्वेंस बैठ जाएगा फिर, है ना। कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने ये क्लास नहीं ली थी, तो मैं साथ में अब कंप्लीट करा दूंगी। ओके बेटा, शी सेंग इन द मॉर्निंग एंड शी सेंग एट नाइट। कब गाते था वो इसे? मॉर्निंग में गाता था, और कब गाता था? रात को भी। शी वॉज एन आइडल वन, वो एक लेजी पर्सन था, लेजी सिकेडा था वो बिल्कुल। ओके, इट वॉज समर सीजन, समर सीजन था, एंड ए ग्रुप ऑफ आंट्स वर वर्किंग हार्ड। ए ग्रुप ऑफ आंट्स, आंट्स पता है ना आपको क्या होती है, छोटी छोटी होती है ना चींटी, उन्हें आंट्स कहते हैं। दे वर कैरिंग अ लॉट ऑफ ग्रेन टू देयर होम। वो बहुत सारा ग्रेन कहाँ लेके जा रहे थे? अपने घर पर लेके जाती थी। ग्रेन मीन्स अनाज। सिकेडा आस्क्ड देम, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। सिकेडा उनसे कहता कि तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही हो? दे रिप्लाइड, We are gathering food for the winter. During the snowfall, we will have enough to eat. Please help us. हम क्या कर रहे हैं? विंटर के लिए फूड गैदर कर रहे हैं, फूड कलेक्ट कर रहे हैं, और जब स्नोफॉल होगा, मतलब कि जब अपन बोल सकते हैं सर्दियाँ होंगी, स्नोफॉल होता है ना, आइस होती है, आइस की रेन होती है ना, उस समय हमारे पास बहुत सारा खाना होगा खाने को, इसलिए तुम क्या करो? प्लीज़ हेल्प अस, हमारी हेल्प करो। नो आई कॉन्ट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। सिकेडा लेफ्ट, सिकेडा हंसा और बोला, देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ वार्म वेदर, देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ वार्म वेदर लेफ्ट, आई एम इन नो हरी। मेरे अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म, वार्म वेदर मीन्स गर्म मौसम भी तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और आई एम इन नो हरी, और मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ। ओके, यहाँ तक हमने फिर भी देख लिया था, रिपीट करा दिया मैंने आपको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड द सिकेडा डिड नथिंग, सिकेडा ने कुछ नहीं किया, बट सेंग ऑल समर लॉन्ग, और समर में भी गाता ही रहता वो। ड्यूरिंग द स्नोफॉल इन विंटर द सिकेडा फाउंड हर सेल्फ हंग्री एंड अलोन। स्नोफॉल जब हुआ विंटर में, तो सिकेडा फाउंड हर सेल्फ हंग्री एंड, सिकेडा भूख लगी उसको और वो अकेला था। शी वॉन्डर्ड ऑल ओवर, वो चारों ओर घूमा, निबलिंग ऑन ड्राई स्टॉक्स ऑफ ग्रास, और क्या करता, छोटी छोटी जो ग्रास होती है ना उसके स्टॉक्स को, उसके तिनकों को क्या करता रहता, निबलिंग, धीरे धीरे उनको खाता रहता। फाइनली शी केम टू द होम ऑफ द एंट्स। लास्ट में कहाँ गई वो सिकेडा, किधर पे गई वो? गई आंट्स के होम पर। प्लीज़ ओपन दी डोर, सिकेडा क्राइड, सिकेडा चिल्लाई कि डोर ओपन करो, आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। द आंट लीन आउट द विंडो, आंट ने विंडो में से लीन में झांक कर देखा, है ना, झुक कर देखा। हु इज़ देयर, कौन है? शी आस्क्ड, इट्स मी, द सिकेडा रिप्लाई, ये मैं हूँ, सिकेडा ने उत्तर दिया। ओ आई रिमेंबर यू, द आंट से, हाँ हाँ मुझे याद है, आंट ने कहा। एंड वॉट वर यू डूइंग ऑल समर वेन वी आर वर्किंग हार्ड टू फिल आवर कबर्ड्स, जब हम कबर्ड्स को फिल करने के लिए पूरे समर वर्क कर रहे थे, उस टाइम तुम कहाँ थे? शी एडेड, उसने कहा, इट वॉज आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। द सिकेडा रिप्लाइड, सिकेडा ने आंसर दिया, सिंगिंग, द आंट सेड, वेल यू कैन ट्राई डांसिंग नाउ, उस टाइम तुम सिंगिंग कर रहे थे ना, अब तुम जाओ और तुम क्या करो, क्या बोला? आई वॉज सिंगिंग, द सिकेडा रिप्लाइड, सिंगिंग, ओ द एंट सेड, वेल यू कैन ट्राई डांसिंग नाउ, अब तुम क्या कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो, जाओ अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। ठीक है, वे यहाँ पे लेसन ही भी कंप्लीट हो गया। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। ओके, गुड बाय बेटा, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।